रूस यूक्रेन युद्ध का 19वां दिन, कई शहरों पर रूसी सेना ने जमकर की बमबारी। कीव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगी है रूसी सेना, आसपास टैंकों की तैनाती। कीव की सड़कों पर सन्नाटा, शहर में बचे कुछ लोग बंकरों में छुपे। अमेरिका ने दी चेतावनी, नेटो देशों पर निशाना हुआ तो मिलेगा कड़ा जवाब। पोलैंड की सीमा पर शरणार्थियों का पहुंचना जारी, हजारों लोगों की भीड़। रूस और यूक्रेन के बीच आज फिर बातचीत, शांति बहाली को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बात। वीडियो लिंक के जरिए दोनों देशों के बीच संवाद, ज़ेलेंस्की ने कहा बातचीत के दौरान असरकारी गारंटी लेना लक्ष्य। ज़ेलेंस्की ने कहा बातचीत के दौरान पुतिन के साथ उनकी मुलाकात को लेकर रजामंदी हासिल करने की भी कोशिश। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो देशों को दी चेतावनी, नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो रूसी मिसाइलों को उनकी जमीन तक पहुंचने में देर नहीं। चेचेनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव ने कहा ज़ेलेंस्की जहां भी जाएंगे उनके लड़ाके पकड़ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग में अब तक 596 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल्स ऑफिस के मुताबिक युद्ध में अब तक 85 बच्चों की जा चुकी है जान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का जारी किया नया वीडियो, कीव में यूक्रेनी सुरक्षा बलों के कमांड पोस्ट को किया तबाह। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जमीन पर लड़ी जाने वाली सबसे लंबी लड़ाई, लाखों लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। रूसी सेना के लिए यूक्रेन पर कब्जे की जंग उम्मीद से मुश्किल, कई शहरों में चल रही है लड़ाई। रूसी हमले से बचने के लिए लोगों का तेजी से पलायन जारी, घर छोड़कर निकल रहे हैं बच्चे और बुजुर्ग। पोलैंड के राष्ट्रपति एड्रेंज डूडा का बड़ा बयान, अगर यूक्रेन पर पुतिन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो नेटो को गंभीरता से सोचना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव में अस्पताल का किया दौरा, घायल सैनिकों से की मुलाकात। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैनिकों को किया सम्मानित, कहा हमारी जीत आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा। रूसी हमले में मारियूपोल बुरी तरह से तबाह, यहां से 5,500 लोग निकाले गए। मारियूपोल शहर में घुसी रूसी सेना, कई इमारतों में तोपें दागी गई। यूक्रेन के वासिलकीव शहर में बरसे बम, आयुध डिपो पर पूरी तरह से तबाही। यूक्रेन के शहर में रूसी हमले का कहर, माइकोलेव में धमाकों से लाखों खर तबाह, लोगों में खौफ। बमबारी से सुलग रहा है इरपिन, कई इमारतें खंडर में तब्दील।